आज आज हम हम लोग लोग उपस्थित उपस्थित हैं हैं इवोल्यूशन इवोल्यूशन चैप्टर चैप्टर पढ़ने पढ़ने के के लिए। लिए। वास्तव वास्तव में में इवोल्यूशन इवोल्यूशन आपके आपके एनसीईआरटी एनसीईआरटी में में जेनेटिक्स जेनेटिक्स के के बाद बाद लिखा लिखा हुआ हुआ है। है। यूनिट यूनिट सेकंड सेकंड में। में। लेकिन लेकिन मैं मैं इसको इसको टेकअप टेकअप कर कर रहा रहा हूं हूं इकोलॉजी इकोलॉजी के के बाद, बाद, क्योंकि क्योंकि मेरा मेरा मानना मानना है है कि कि बच्चे बच्चे जब जब इकोलॉजी इकोलॉजी जान जान चुके चुके होते होते हैं हैं तो तो उन्हें उन्हें इवोल्यूशन इवोल्यूशन जानने जानने में में काफी काफी आसानी आसानी होती होती है। है। वैसे वैसे जेनेटिक्स जेनेटिक्स का का भी भी योगदान योगदान है है इवोल्यूशन इवोल्यूशन में, में, तो तो उसके उसके लिए लिए कोई कोई परेशान परेशान होने होने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। वह वह बात बात हम हम लोग लोग कैसे कैसे टेकल टेकल करेंगे करेंगे वो वो आगे आगे की की बात बात है। है। लेकिन लेकिन इवोल्यूशन इवोल्यूशन एक एक वैसा वैसा चैप्टर चैप्टर है है जिसको जिसको अगर अगर बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ने पढ़ने से से पहले पहले अगर अगर बच्चों बच्चों को को बताई बताई जाए जाए तो तो ज्यादा ज्यादा बेहतर बेहतर हो, हो, क्योंकि क्योंकि वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों का का मानना मानना है, है, बहुत बहुत सारे सारे वैज्ञानिक वैज्ञानिक आए आए जिन्होंने जिन्होंने ये ये कहा कहा एक्सेप्ट एक्सेप्ट इवोल्यूशन इवोल्यूशन नथिंग नथिंग इन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी, कि कि अगर अगर इवोल्यूशन इवोल्यूशन को को निकाल निकाल दिया दिया जाए जाए तो तो बायोलॉजी बायोलॉजी में में कुछ कुछ नहीं नहीं है। है। लोगों लोगों ने ने यहां यहां से से यहां यहां तक तक कहा कहा बायोलॉजी बायोलॉजी विदाउट विदाउट इवोल्यूशन इवोल्यूशन जस्ट जस्ट लाइक लाइक फ्लैश फ्लैश विदाउट विदाउट बोन। बोन। अगर अगर शरीर शरीर के के स्केल्टन स्केल्टन और और हड्डियों हड्डियों को को निकाल निकाल दिया दिया जाए जाए तो तो शरीर शरीर को को पहचानना पहचानना मुश्किल मुश्किल होगा, होगा, क्योंकि क्योंकि वो वो मांस मांस पेशियों पेशियों की की गठरी गठरी के के जैसा जैसा दिखेगा, दिखेगा, उसकी उसकी कोई कोई आकार आकार नहीं नहीं होगी। होगी। उसी उसी प्रकार प्रकार बायोलॉजी बायोलॉजी से से इवोल्यूशन इवोल्यूशन को को निकाल निकाल दिया दिया जाए जाए तो तो बायोलॉजी बायोलॉजी का का कोई कोई आकार आकार नहीं नहीं होगा। होगा। एनीवे, एनीवे, आइए आइए अब अब हम हम लोग लोग इवोल्यूशन इवोल्यूशन के के बारे बारे में में कुछ कुछ और और जाने। जाने। ये ये इवोल्यूशन इवोल्यूशन क्या क्या है? है? तो तो कहता कहता है, है, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ऑफ लाइफ लाइफ ऑन ऑन अर्थ, अर्थ, कि कि इस इस पृथ्वी पृथ्वी पर पर लाइफ लाइफ के के हिस्ट्री हिस्ट्री को को हम हम इवोल्यूशन इवोल्यूशन कहते कहते हैं। हैं। तब तब लाइफ लाइफ के के हिस्ट्री हिस्ट्री में में दो दो बातें बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हैं। हैं। एक एक है है हाउ हाउ कैन कैन ओरिजिनेट ओरिजिनेट फर्स्ट फर्स्ट लाइफ, लाइफ, और और दूसरा दूसरा है है हाउ हाउ कैन कैन लाइफ लाइफ डाइवर्सिटीफाई डाइवर्सिटीफाई फ्रॉम फ्रॉम द द फर्स्ट फर्स्ट लाइफ लाइफ ऑफ ऑफ द द अर्थ। अर्थ। यानी यानी सबसे सबसे पहले पहले पृथ्वी पृथ्वी पर पर लाइफ लाइफ कैसे कैसे आया, आया, और और अगर अगर जो जो भी भी लाइफ लाइफ यहाँ यहाँ पृथ्वी पृथ्वी पर पर आया आया उससे उससे इतने इतने सारे सारे लाइफ लाइफ कैसे कैसे पैदा पैदा हुए, हुए, तो तो दो दो स्टेप स्टेप हुआ। हुआ। तो तो पहले पहले स्टेप स्टेप को को हम हम लोग लोग कहते कहते हैं हैं केमिकल केमिकल इवोल्यूशन इवोल्यूशन या या ओरिजिन ओरिजिन ऑफ ऑफ लाइफ, लाइफ, और और दूसरे दूसरे स्टेप स्टेप को को कहते कहते हैं हैं डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऑफ ऑफ लाइफ लाइफ या या डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑफ लाइफ लाइफ या या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। ये ये बातें बातें बहुत बहुत क्लियर क्लियर करनी करनी है, है, और और ये ये दोनों दोनों चीजें चीजें एक एक दूसरे दूसरे से से अलग अलग हैं। हैं। तो तो हम हम लोग लोग अगर अगर यह यह पढ़े पढ़े पहले पहले कि कि लाइफ लाइफ इस इस पृथ्वी पृथ्वी पर पर कैसे कैसे आया, आया, यानी यानी जीवन जीवन की की उत्पत्ति, उत्पत्ति, तो तो उससे उससे पहले पहले हम हम लोगों लोगों को को ये ये पढ़ना पढ़ना होगा होगा कि कि पृथ्वी पृथ्वी कैसे कैसे आई, आई, और और अगर अगर पृथ्वी पृथ्वी कैसे कैसे आई आई ये ये पढ़ना पढ़ना होगा, होगा, तो तो सबसे सबसे पहले पहले तो तो यही यही पढ़ना पढ़ना होगा होगा कि कि ये ये यूनिवर्स यूनिवर्स कैसे कैसे आया, आया, ब्रह्मांड ब्रह्मांड कैसे कैसे आया। आया। तो तो हमारी हमारी ये ये स्टोरी स्टोरी कहाँ कहाँ से से शुरू शुरू होगी होगी कि कि ये ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड कैसे कैसे आया, आया, ये ये मिल्की मिल्की वे वे कैसे कैसे आए, आए, ये ये स्टार स्टार कैसे कैसे आए, आए, सोलर सोलर प्लानिट प्लानिट कैसे कैसे आए, आए, फिर फिर अर्थ अर्थ कैसे कैसे आया, आया, और और अर्थ अर्थ पर पर लाइफ लाइफ कैसे कैसे हुआ, हुआ, तब तब ना ना डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑफ लाइफ। लाइफ। तो तो आइए आइए आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं, हैं, अब अब थोड़ा थोड़ा देखते देखते हैं हैं कि कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्या क्या कहती कहती है है इसके इसके बारे बारे में। में। तो तो चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर सेवन, सेवन, जिसमें जिसमें ये ये क्या क्या है, है, ओरिजिन ओरिजिन ऑफ ऑफ लाइफ लाइफ पहली पहली बात बात है है और और सारी सारी बातें बातें हैं। हैं। आप आप लोग लोग हंस हंस रहे रहे होंगे होंगे जब जब मैं मैं कहता कहता हूं हूं कि कि आइए आइए देखिए देखिए एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्या क्या कहती कहती है। है।
नीट का एग्जाम हो चुका है, क्वेश्चन आपके पास होगा। हमने आपको इकोलॉजी भी हाल में पढ़ाई है, इवोल्यूशन से पहले। खुद आप जज करके देखो कि उसके कितने क्वेश्चन आए और तुमसे बन रहे या नहीं बन रहे। जहां तक हमने डील किया है वहां की क्वेश्चन को तुम देखो। इवन जो हमने इधर में 5-6 वीडियो क्वेश्चन के लिए दिया था उनसे मिला करके देख लो, और अब कम से कम समझो कि टेक्स्ट में क्या पढ़ना है। या आपके सीनियर जो लोग इस साल नीट दिए हैं उनसे बात करिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनसीईआरटी इन द फील्ड ऑफ नीट, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। कि और सब्जेक्ट को नहीं जानता वो, बट पर्टिकुलरली बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी। हाँ, अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है तो वो उपाध्याय सर के दृष्टि से पढ़ना है, उसको ब्रॉड एस्पेक्ट में पढ़ना है, ये नहीं कि लाइन रीडिंग करना है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि एनसीईआरटी के लाइन को, एक एक लाइन को मैं यहां पर डिस्कस करता हूं, और आप भी डिस्कस करें और प्रत्येक तरह के सवालों को देखें। तो आज हम लोग सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ से कुछ बातें करेंगे कि ओरिजिन, कि लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, क्या कहता है आपका एनसीईआरटी इस मुद्दा पर बात करें। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन, कि वास्तव में इवोल्यूशन क्या है। To understand the change in flora and fauna that have occurred over million of year on earth. तो कहता है evolution का मतलब है कि इस पृथ्वी पर million year में किस प्रकार flora और fauna change हुए। What do you mean of flora and fauna? Flora means plants and fauna means animal. कि इस पृथ्वी पर जो आज आप प्लांट्स और एनिमल देख रहे हैं ये क्या पृथ्वी की शुरुआत से ही इस पर थे? नहीं। तो पृथ्वी की शुरुआत जब हुई तो उस समय किस प्रकार के जीव थे और कैसे हुए जीवों से ये नए जीव आ गए, इस कंजंक्चर स्टोरी को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द फ्लोरा एंड फौना दैट हैव ऑकर्ड ओवर बिलियन of year on earth, we must have an understanding of the context of life of origin, origin of life. Evolution of earth, a star and indeed of universe itself. कहता है इस स्टोरी को जानने के लिए, origin of life को जानने के लिए हमें evolution of earth, evolution of sun, evolution of universe इत्यादि के बारे में भी जानना होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा है आपसे। What follows is the longest of all the construct and conjunctured story. पहले ही बोल चुका हूं, this is the story of origin of life and evolution of life. My dear people, keep in your mind here the two word, the two thought. One is the origin of life and another is the evolution of life. नई बात से शुरू किया हूं आज, और फिर मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि हमेशा आप इवोल्यूशन को जब भी अपने दिमाग में रखिए तो दो फोल्ड की स्टोरी को दिमाग में रखिए। अगर इवोल्यूशन पूरी दिन की स्टडी है तो फर्स्ट हाफ में आप ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेकंड हाफ में आप इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ और जो भी जीव पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुए उनसे इन नए जीवों का विकास कैसे हुआ, कार्बनिक विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसी बात को कहता है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम और द बायोडाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ इन द कंटेस्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ।
आपने ये सारी बात देखी, कितना बढ़िया इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब इन सारी बातों को रिप्रेजेंट मैं इस एक फिगर के द्वारा कर रहा हूं। यह एक टाइमलाइन, इस समय बढ़ रहा है। इस समय में देखिए आज का प्रेजेंट ये है, ये जो डिजिट दिया गया है बिलियन ऑफ इयर्स का डिजिट है कि हम लोग यहां खड़ा है। तो इससे पहले 12 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन ऑफ मैटर, उसके बाद 4 बिलियन से पहले ओरिजिन ऑफ मिल्की वे, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ मिल्की वे को क्या कहते हैं? गैलेक्टिक स्टीलर ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं? प्लानेटरी इवोल्यूशन। और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। और आज की जो पृथ्वी पर जो लाइफ है उसके इवोल्यूशन को कहते हैं बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपको जानना है कि मैटर, डस्ट, मिस्ट, पार्टिकल कैसे आए। अगर वो आए तो वो किस तरह यूनिवर्स का निर्माण किया और उसमें किस तरह सैकड़ों आकाश गंगाएं, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, आप लोगों ने गैलेक्सीज का निर्माण किया हुआ। आप सब लोगों ने मैट्रिक में, फिजिक्स में या नाइन्थ के फिजिक्स में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या द यूनिवर्स पढ़ के आए होंगे और आप सब जानते होंगे कि मिल्की वे क्या है, गैलेक्सीज क्या है, स्टार क्या है, डेथ ऑफ स्टार क्या है, ओरिजिन ऑफ स्टार क्या है, ब्लैक होल थियरी क्या है, बिग बैंग थियरी क्या है। दीज आर सम थियरी इन रिलेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टार, प्लैनेट्स इट्स। तो यहां भी हमारी बातें इसी सिद्धांत पर चलेंगी। ओरिजिन ऑफ मैटर लीडेड ओरिजिन ऑफ मिल्की वे, ओरिजिन ऑफ मिल्की वे लीडेड ओरिजिन ऑफ सोलर प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ लीडेड ओरिजिन ऑफ लाइफ, एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ लीडेड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओके, नाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ। व्हेन वी लुक एट ए स्टार ऑन ए क्लियर नाइट स्काई, वी आर इन ए वे लुकिंग बैक इन टाइम। द स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हूज इमिटेड लाइट स्टार्टेड इट जर्नी मिलियन ऑफ ईयर बैक एंड फ्रॉम ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आई नाउ। बात समझ में आ गया कि जब हम रात में तारे को चमकते हुए देखते हैं तो क्या हम ये समझ पाते हैं कि इन्होंने आज से कितने मिलियन ईयर पहले चमकना शुरू किया। और ये प्रकाश जो मेरे आंखों में आ रही है या आपके आंखों पर पड़ रही है या ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से आ रही है। हाउ एवर वेन वी सी ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, वी सी देम इंस्टेंटली एंड हैंस इन द प्लैनेट टाइम। देयरफॉर व्हेन वी सी ए स्टार वी अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। बात समझ रहे हैं? द यूनिवर्स इज वास्ट रिलेटिवली एस स्पीकिंग, द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पीक। रिलेटिवली स्पीकिंग, द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पीक।
द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड. तो यूनिवर्स कैसा है? बहुत पुराना है. तो उसमें जब यूनिवर्स पुराना तो उसमें पृथ्वी भी पुरानी है. आइए इसके बारे में समझिए. ऑलमोस्ट 20 मिलियन ईयर ओल्ड यूनिवर्स कितना पुराना है जान लें आप. ह्यू क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, मिल्की वे एक गैलेक्सी का नाम है. ह्यू क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंपेराइज द यूनिवर्स. मिल्की वे जैसन सैकड़ों करोड़ों गैलेक्सी मिलकर के गैलेक्सीज इसका यूनिवर्स का निर्माण किया. गैलेक्सीज कंटेन ए स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट. ध्यान देने वाली चीज है. कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड ए एस्पेक्ट. द बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अस टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. क्लियर हो गया कि ओरिजिन ऑफ इस यूनिवर्स को जानने के लिए आपको बिग बैंग थियरी. बिग बैंग का मतलब है महाविस्फोट. ए टॉक ऑफ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोशन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म. द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एनहेंस द टेम्परेचर केम डाउन. हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर. बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो कहता है कि बिग बैंग होने से क्या हुआ? इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ. आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं इसलिए आपके आंखों में यह चमक आनी चाहिए कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो निर्माण हुआ उससे क्या हुआ. बड़ा हाइड्रोजन और हीलियम के निर्माण ही आज कारण है स्टार से जो रोशनी आती है. आपके सन जो नियरेस्ट स्टार है उससे भी जो रोशनी आती है उसका कारण यही हाइड्रोजन और हीलियम है. आप या तो पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे न्यूक्लियर फिजन. तो यह हाइड्रोजन और हीलियम का बनना ही एक पॉजिटिव बात हो गई थी क्योंकि अगर आपने इकोलॉजी पढ़ा है अगर सोर्स ऑफ लाइट सनलाइट अगर नहीं रहता तो सोर्स यह एक यूनिट एनर्जी का सोर्स है. सोर्स ऑफ लाइफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. इसलिए यहां याद दिला रहा हूं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर. द गैसेस कंडेंस अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स. इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी Earth was supposed to have been formed about 5.4 billion year back. Earth कितना दिन पहले बना? ये देख ले. 4.5 billion year back. There was no atmosphere on Earth. Early Earth. ये भी बार बार पूछा जाता है कि early Earth पर atmosphere था या नहीं. Water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from the molten mass covered the surface. कि उसमें अर्थ क्या था? Water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass covered the surface. अर्थ के surface पर molten पिघला हुआ जो द्रव्य था, पिघला हुआ मास था, उसमें क्या था? तो वाटर वेपर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. हमेशा याद रखना है. द यूवी रेज फ्रॉम सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2 एस्केप. जब जो है सो यूवी रेज जो सन का पड़ा उस पर वाटर वेपर पर तो वाटर वेपर टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन हल्की गैस है इसलिए वो पृथ्वी के सतह से ऊपर चला गया. देखिए कैसे एटमॉस्फेयर का निर्माण हो रहा है. ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर CO2 एंड अदर. और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ किससे? अमोनिया से और मीथेन से और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का निर्माण किया. द ओजोन लेयर वाज फॉर्म. उसके बाद क्या हुआ? ओजोन का निर्माण हुआ.
at it cooled, the water vapor fallen as rain. The molten rock से जो water vapor escape किया था, अब वो धीरे धीरे cool होकर के क्या किया? Torrential rain, लगातार बारिश की, पृथ्वी पर लगातार बारिश हुई, to fill all the depression and form ocean. तो ये पृथ्वी की जो surface थी, वो homogeneous, equal एक तरह की नहीं थी, कहीं ऊंचा था, कहीं नीचा था. तो जहां height था, वहां से जब बारिश हुआ, तो drain off हुआ, water, और जाकर के कहां gather हुआ, lowland में. तो जो lower area में जाकर के gather हुआ, इतना ना वाटर गेदर हुआ और जिस समय वाटर ड्रेन ऑफ हो रहा था अर्थ के सरफेस से तो अपने साथ रन ऑफ करा रहा था किसका मिनरल्स का मेटल्स का तो इस तरह वाटर जो है मिनरल से युक्त हो गया और मिनरलाइज्ड वाटर जाकर के अर्थ के लो लैंड पर डिपॉजिट हुआ और वह आज क्या कहलाता है ओशन तो आपने एक लाइट सेंस लिया कि ओशन का निर्माण कैसे हुआ द लाइफ एपियर 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4.5 बिलियन ईयर बैक अर्थ बना लेकिन उसके बाद 500 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी लाइफलेस रही 500 मिलियन वर्षों लग गए क्या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर बनने में पृथ्वी को शेप एक्वायर करने में पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण होने में पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर बनने में ओजोन का इनवेलप बनने में ओजोन इस अम्ब्रेला याद है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन अब देखिए तो वहां की बातें यहां से फिर जुड़ रही है या नहीं वहां आप हमसे पढ़ के आए अभी हाल के दिनों में कि ओजोन का क्षय और आज पढ़ रहे हैं ओजोन का निर्माण तो बेटा अगर ओजोन का निर्माण नहीं हुआ होता तो क्या पृथ्वी कभी भी लाइफ से फूल होती नहीं होती आप जानते हैं इस फैक्ट को इसलिए आज इन्वायरमेंटल इशू है वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग बायोडायवर्सिटी के लिए प्रॉब्लम है ओजोन होल का होना ओजोन का थीनिंग होना इसीलिए मैंने इवोल्यूशन को सबसे पहले शुरू किया है बहुत और भी मजा आएगा आगे तो आप चलें हमारे साथ ऑलमोस्ट 4 मिलियन ईयर बैक अब हम लोग थोड़ी देर पहले बात आपसे कर रहे थे बिग बैंग तो आइए देखते हैं क्या है बिग बैंग थियरी द मोस्ट एस्ट्रोनॉमर बिलीव दैट The universe began about 15 billion years ago in a huge explosion they called the Big Bang Mahavishwat. This is the universe and the observed abundance of helium in the universe. बातें आई कि जब महाविस्फोट हुआ तो यूनिवर्स में क्या पैदा हुआ हीलियम एंड हाइड्रोजन आप देखिए अपने एनसीईआरटी को सागर में गागर में सागर कैसे भरती है एक लाइन में कितनी बातें को लिखा है द फर्स्ट डेवलप इन 1927 बिग बैंग थियरी को जॉर्ज लेमिटायर एंड क्वाइंड एंड रिवाइज्ड बाय जॉर्ज गैमो आगे आप लोग जानेंगे जॉर्ज गैमो वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जेनेटिक कोड का भी कंसेप्ट दिया था तो जॉर्ज लेमिटायर ने बिग बैंग थियरी डेवलप किया और उसको रिकॉग्नाइज्ड और रिवाइज और बिग बैंग टर्म थियरी टर्म दिया किसने गैमो ने ये देखिए बिग बैंग देखिए महाविस्फोट कब 15 बिलियन ईयर एगो स्टार जब बिग बैंग हुआ तो उससे यूनिवर्स में क्या बनेगा गैलेक्सीज इंक्लूडिंग मिल्की वे
उसमें क्या रहेंगे, सैकड़ों स्टार एक एक मिल्की वे में, हजारों करोड़ों स्टार, 10 बिलियन ईयर एगो। उसमें सन जो आपकी नजदीकी तारा है 5 बिलियन ईयर एगो। मोल्टेन अर्थ जिसकी अभी बात हो रही थी 4.5 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट ओशन टोरेंशियल रेन जब बारिश हुई 3.8 बिलियन ईयर एगो। कितना दिन पहले, 3.8 मिलियन ईयर एगो। अब दूसरी बात आती है कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन। अभी जो बात चल रही थी कि अर्थ जब आई तो उस पर एटमॉस्फेयर नहीं था। अर्थ एटमॉस्फेयर है चेंज थ्रू टाइम एंड चेंज हैव बीन कपल्ड टू द बायोटिक इवोल्यूशन। यानी एटमॉस्फेयर का आना, अर्थ पर एटमॉस्फेयर का आना ही लाइफ के आने के लिए हुआ। आज जो हमारी सर्च चल रही है अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट पर, तो क्या होता है, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वो लाइफलेस है। अभी तुरंत में कल नेचर में एक लेख छपा है जिसके अनुसार ये माना जा रहा है कि शुक्र पर एलियन का संकेत मिला है। ये मत समझ लिए कि शुक्र पर एलियन का संकेत मिला है यानी शुक्र पर आपके जैसे मनुष्य टहल रहे हैं, यानी शुक्र पर जीव का, वेनस पर जीव का ट्रेस। कैसे, यह भी बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इस वेनस के एटमॉस्फेयर में, उसके क्लाउड में फॉस्फीन गैस पाया गया है। और कहता है कि फॉस्फीन गैस क्लाउड में पाए जाने का मतलब यह है कि वहां लाइफ है। यह बात जुपिटर के साथ लागू नहीं होगा, मंगल के साथ लागू नहीं होगा, क्योंकि मंगल ग्रह के भी वायुमंडल में मिला हुआ है फॉस्फीन, लेकिन वहां वो फॉस्फीन केमिकल प्रोसेस से बना हुआ है। लेकिन शुक्र के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन पाया गया है और रिपोर्ट किया गया है कल या परसों में कि नहीं, वहां लाइफ के संकेत हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं वहां। तो आपने देखा कि एटमॉस्फेयर कितना महत्वपूर्ण चीज है, और एटमॉस्फेयर को जानना है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर कैसे बने। देखिए कैसे बन रहा है, अर्थ ट्रैप गैस फ्रॉम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। अर्थ क्या है, ऐसे मूव कर रहा है और देखिए गैस को ट्रैप कर रहा है। अब तब इस अर्थ पर क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रहा है, यूवी रेज। तो क्या हो रहा है, अब यहां से हाइड्रोजन और हीलियम एस्केप इनटू स्पेस। और जब ये स्पेस में एस्केप हो रहा है हाइड्रोजन और हीलियम, तो देखिए चारों ओर क्या किया, एटमॉस्फेयर का निर्माण किया कि नहीं, ये ब्लू एनवेलप बनाया कि नहीं, और इसकी ऊपरी सरफेस ओजोन की बनती चली जाएगी। तब देखिए कि पहले अर्थ इस स्थिति में था और यहां पर क्या था कि इसकी एटमॉस्फेयर नहीं थी। अब ये धीरे 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 ये शेप एक्वायर कर लिया और धीरे धीरे देखिए इसका एटमॉस्फेयर का निर्माण होने लगा, प्राइमरी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड ऑक्सी, माने ऑक्सीजन फ्री हो गया, वही ऑक्सीजन फ्री होकर के अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ मिलकर के वाटर का निर्माण किया और ओजोन का निर्माण किया। अभी आप पढ़ के आए। अब इसके बाद यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और वॉल्केनिक इरप्शन से भी जो गैस कहां जा रहे हैं, एक्युमुलेट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। अब इस प्रकार क्या हुआ, टोरेंशियल रेन होगी और रेन होने से क्या होगा, ओशन का भी निर्माण पृथ्वी पर हो गया। देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, यहां कहीं ऊंचा लैंड है और ये नीचे जो थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा है ये लो लैंड है, सब वाटर बन गया। तो ये टेरेस्ट्रियल ऊंचाई के लैंड हो गए ऊंचे, और ये नीचे के ओशन बन गए, और चारों तरफ से क्या हो गया, अब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर फुल अप विद द हाइड्रोजन एंड द हीलियम एंड द फ्री ऑक्सीजन, बट सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो
तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना आपने अभी जाना है कि जब ऑक्सीजन फ्री हुआ तो वो ऑक्सीजन अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब इस तरह पृथ्वी तैयार हो गई, इस पर ओशन भी हो गया, इसका एटमॉस्फेयर भी हो गया, अब यह लाइफ के ओरिजिन के लिए सुटेबल हुआ। अब देखिए यहां पर क्या है, लाइफ ओरिजिनेट हो रहा है अर्थ पर। आर यू अंडरस्टैंड? ये बच्चों को समझाने के लिए एक छोटी सी हमने अलग से तस्वीर को लिया था। अब वन बाई वन आइए कि इस पूरी पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। द डस्ट एक्सप्लोजन अराउंड 14 बिलियन ईयर एगो, एवरीथिंग दैट यू सी एंड नो टूडे एग्जिस्ट इन ए टाइनी लिटिल डॉट, एक छोटे से डॉट के रूप में था। द साइज ऑफ द डस्ट पार्टिकल मे बी ए स्मॉलर, दैट डॉट वॉज कॉल्ड द सिंगुलरली एंड इज द रीजन why we are all here today. However, the singularity particle become very unstable. इसको singularity particle को हम लोग कहते हैं क्या, tiny particles, and exploded, और उसी में धमाका हुआ, and sending the element of our universe everywhere called the Big Bang. और इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि उस विस्फोट के द्वारा पूरा उसके अंदर के जो एलिमेंट्स थे वो चारों तरफ बिखर गए। फिगर में देखिएगा कैसे बिखर रहा है। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग किस तरह यूनिवर्स के क्रिएशन करा रहा है। द डस्ट पार्टिकल रिएक्ट विद द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस विच मेड इट कोलैप्स एंड क्रिएट द न्यूक्लियर रिएक्शन ड्यू टू द हीटेड एंड क्रिएटेड स्टार। One of the much bigger dust particle which we refer to as the sun. अब ये जो भी बिग बैंग के बाद जो डस्ट मिस्ट पार्टिकल थे वो स्पेस में क्या किए, आपस में ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा होने से आपस में कोलिजन टक्कर करने लगे, और उस टक्कर होने से उनमें ऊर्जा बढ़ने लगी, और उस ऊर्जा के बढ़ने की वजह से इतनी ऊर्जा बढ़ी कि वहां न्यूक्लियर फिजन नाम की घटनाएं होने लगी, जिससे वो लाइट रेडिएट करने लगे और आज तक लाइट रेडिएट कर रहे हैं। उसमें से ही एक सन आया जिसने भी लाइट रेडिएट करना शुरू किया। सन, अब सन के अंदर मैटर कैसे डेवलपमेंट्स, एज वेल एज द एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल द सन फॉर्म पर्पल मैटर with gravity that evolve into a smaller reaction which scientist classify as planet. क्या कहता है, as well as the extra dust particle the sun form purple matter with gravity that evolve into a smaller reaction which scientist today classify as planet. मैंने कि उसके मैटर में से कुछ टुकड़े उसके किनारे किनारे ऑर्बिटिंग करने लगे और उसे हम लोगों ने प्लैनेट कहा, द मोस्ट नोटेबल बीइंग अर्थ। उसमें से एक प्लैनेट अर्थ है, और भी सारे हैं, और उसी अर्थ पर वर्ल्ड है और ह्यूमैनिटी है। रिसोर्स फ्रॉम द स्टार, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ collided into many comet, one of which gave ice which froze and then also condensate into the cloud and the atmosphere that create water and most notably is inhabitant early sea animal. कहता है कि साहब पृथ्वी पर क्या हुआ, कॉमेट गिरे, पृथ्वी से कॉमेट टकराए, और कॉमेट के टकराने से क्या हुआ, पृथ्वी फ्रीज कर गई, पृथ्वी पर बर्फ बन गया, और ये बर्फ का बनना भी एटमॉस्फेयर बनने में, अलग अलग थ्योरियां हैं, बर्फ का बनना भी एटमॉस्फेयर बनने में योगदान दिया, और उसी के वजह से वाटर बना
और वाटर बनने से क्या हुआ, यहां पर लाइफ की शुरुआत हुई। और कौन सा लाइफ अर्ली लाइफ आया, सी एनिमोन। Finalizing of the other planets. के अब दूसरे planets. For the time being, the same process happen to the other planet that are created in the universe. It all depend on how far away from the sun they each were as the further out, the less gravitational pull and heat there was on the world. All collected, each planet revolve around the sun and from farther distance depending on this pull. कहता है कि तो अर्थ की बात जाने, इस तरह और भी planets के निर्माण हुए और जिसके जितनी नजदीक था उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगा और उसी के अनुसार वो एक दूसरे के किनारे से सन को रोटेट करा है या सोलर प्लैनेट का निर्माण किया, ये कहना है। द बिगिनिंग ऑफ अर्थ, देयर इज द एविडेंस दैट द बिग बैंग हैपेंड बिकॉज इफ यू नोटिस दैट व्हेन ए एम्बुलेंस और पुलिस कार goes past, its siren is the high pitch as it come toward you, then become the low pitch at it go away. This effect where there is a change in frequency and wavelength is the called Doppler effect. It only happen with any wave source that move relative to an observer. कहता है कि अगर पुलिस की गाड़ी या कोई एम्बुलेंस आपके नजदीक आती है तो उसकी सायरन की आवाज आपको तेज सुनाती है, पहले धीरे धीरे सुनाती है, जिसे जैसे आपके नजदीक आती है तेज सुनाती जाती है और फिर आपसे दूर चली जाती है तो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट। द बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, इट वॉज ओनली लैंड एंड वाटर. That was until sea anemone evolved and become all the different species we know and see today. However, some we do not see because they are classified as extinct. अब कहता है कि पृथ्वी की बनावट हुआ, पृथ्वी बनी और बिग बैंग भी हुआ, तो बिग बैंग का एविडेंस क्या है कि बिग बैंग हुआ उतना दिन पहले, लेकिन वो सायरन की तरह, पुलिस की सायरन की तरह कितना भी दूर चली जाएगी तो उसके वेव तो चलते रहेंगे। हो सकता है कि एक क्षण बाद आपको नहीं सुनाई पड़े, तो आज भी इस पृथ्वी पर उस वेव को महसूस किया जा रहा है। अब दूसरी बात है कि अर्थ पर सी एनिमोन बना और सी एनिमोन ही नहीं रह गया, अब सी एनिमोन से बहुत सारे जीव आए जिसमें से कुछ आज हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। तो और अब है, यह बातें अभी हमने जो भी आपको बताई यह बच्चों वाली बातें थी, यह बात आपके दिमाग में रखना था मुझे कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ और अर्थ पर किस तरह एटमॉस्फियर आया और किस तरह ओशन का निर्माण हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि रिसेंट थियोरियां अर्थ की जो ओरिजिन की क्या है वो देखिए। आफ्टर मेनी ईयर द आयरन रिच इन द सेंटर ऑलमोस्ट द 4,000 million डिप माइल डिप एंड बिगिन टू एक्यूमुलेट द टर्मोइल दैट take place on the face of earth. Bubbling on the surface, exploding volcano and the flowing lava covering the everything inside. Finally, the iron in the center accumulate as the core around it. A thin but fairly stable crust of solid rock form the earth cooled. Depression in the crust were natural basin in which water
rising from the interior of the planet through volcano and fissure, collected to form the ocean. Slowly, Earth acquired present appearance. ये उधर के जो बातें आपने पढ़ी उससे अलग की है थ्योरी है कि अर्थ जिस समय मॉल्टन था उस समय इस पर जो आयरन थे वो सारे आयरन एक्यूमुलेट होकर के इसके केंद्र में चले गए और उसके बबलिंग से वो गर्म थे, कुल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनके हलचल से पृथ्वी पर क्या हुआ, ज्वालामुखी फटे और वो ज्वालामुखी फटने से क्या हुआ, पूरी पृथ्वी लावा से ढक गई, ज्वालामुखी का उद्गार। और इस प्रकार इस पृथ्वी पर कहीं ऊंचाई वाले स्थान हो गए और कहीं डीप ट्रेंच बन गए और धीरे धीरे उस डीप ट्रेंच में पानी भर गया। जैसे पृथ्वी पर लोलैंड कहां से आया और कैसे लोलैंड बना, यह बात यहां से आपने जाना, और लोलैंड जब बन गया तो उस पर पानी कहां से आया, यह बात आपने पीछे से जाना। तो वास्तव में 225 मिलियन ईयर एगो देखिए पृथ्वी किस तरह की थी, और इस पृथ्वी के भूभाग का नाम है पेंजिया, याद रखेंगे, क्या था पृथ्वी के भूभाग का नाम, पेंजिया। स्थलकृति लैंड का नाम क्या था, पेंजिया। 200 मिलियन ईयर एगो अभी पेंजिया क्या हुआ, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। पेंजिया किसने बटा, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, और बीच में आ गया टिस्थिस सी। कौन सा सी का जो निर्माण हुआ उसका नाम क्या हुआ, टिस्थिस सी। इस टिस्थिस सी के जगह पर ही आज का हिमालय है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। 135 मिलियन ईयर एगो अब देखिए कैसा शेप, आप देख रहे हैं सी को, और लॉरेशिया में देखिए दो टुकड़ा हो रहा है और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अब 65 मिलियन ईयर एगो देखिए अभी भी क्या है, लॉरेशिया, लॉरेशिया ऊपर दिख रहा है दो पार्ट में स्पष्ट, जो यहां दो पार्ट अब क्लियर हो गया इसका, और गोंडवाना लैंड देखिए सब एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। प्रेजेंट डे में देखिए ऊपर का रीजन लॉरेशिया और नीचे का रीजन गोंडवाना लैंड। तो आपने देखा ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया से कितना दूर चला गया, आप देख रहे हैं या नहीं, लेकिन गोंडवाना लैंड में देखिए ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया से कितना नजदीक था। तो धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं किधर से किधर की ओर, इंडिया शिफ्ट कर रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे वो शिफ्ट करेगा तो लॉरेशिया में जाके टकराएगा, क्योंकि इंडिया का प्लेट कहां है, गोंडवाना लैंड पर है, इसलिए बार बार भूकंप हिमालय पहाड़ के पास होते रहते हैं। तो ये पृथ्वी कैसे बनी, तो आज की पृथ्वी में देखिए साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका से अफ्रीका कितना दूर हो गया, अफ्रीका से इंडिया कितना दूर हो गया, अंटार्कटिका कितना दूर हो गया, ऑस्ट्रेलिया कितना दूर हुआ, लेकिन इनिशियली क्या था, 225 मिलियन ईयर एगो देखिए इनकी स्थिति क्या थी। क्लियर। अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्योंकि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में क्यों हम बात करना चाह रहे हैं, तो यहां देख रहे हैं आप बार बार लिख रहे हैं परमियम, ट्राइजेसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस, प्रेजेंट डे, यानी ये क्या है, ये युग का नाम है। तो ये जो युग का नाम है, तो आइए थोड़ा इस पर हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर ध्यान ले दें, क्योंकि आपको आगे, तो पृथ्वी आज से बहुत दिन पहले बनी, तो जितनी दिन पहले पृथ्वी बनी उससे लेकर के आज तक के टाइम को हम लोग जो बांटते हैं उसे हम लोग जियोलॉजिक टाइम स्केल कहते हैं। जियोलॉजिक टाइम स्केल है 4 मेजर डिवीजन ऑफ टाइम। पहला डिवीजन है इओन, आर द लार्जेस्ट डिवीजन। तो ये क्या हुआ इओन, इओन में क्या है, सबसे पहले क्या है, हैडेन, नीचे से चलेंगे, हैडेन,
4600 मिलियन ईयर अगो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसके बाद कौन आया? आर्चियन। उसके बाद कौन आया? प्रोटेरियोजोइक। उसके बाद एक आया फ्रीरोजोइक। तो इयोन क्या है? फ्रीरोजोइक, प्रोटेरियोजोइक। क्या लिखा है? दीज थ्री इयोन टुगेदर आर नोन एज प्री कैम्बेरियन टाइम। क्या नाम है? प्री कैम्बेरियन टाइम, बिकॉज दे केम बिफोर कैम्बेरियन। इसलिए इस तीनों को क्या हम लोग बोलते हैं? प्री कैम्बेरियन। क्या बोलते हैं? प्री कैम्बेरियन, कैम्बेरियन से पहले। अब इयोन को किसमें बांटते हैं? लार्जेस्ट डिवीजन फॉलोड बाय ईरा। प्रत्येक इयोन को ईरा में बांटते हैं। तो प्री कैम्बेरियन किन छोड़ दीजिए, और फ्रीरोजोइक इयोन को हम लोगों ने तीन ईरा में बांटा है। पहला क्या है? पेलियोजोइक, दूसरा है मेजोजोइक, और तीसरा है सीनोजोइक। अब ईरा बटता है पीरियड में। आइए पीरियड देखिए। अब पेलियोजोइक पीरियड में पहला पीरियड कौन आया? 542 मिलियन ईयर एगो, कंबेरियन। उसके बाद कौन आया? ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनी, फेरस, परमियम। ये सब पेलियोजोइक। मेजोजोइक ईरा में कौन कौन पीरियड? ट्राइजेसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस पीरियड। इसी जुरासिक पीरियड में डायनासोर हुआ करते थे। मेजोजोइक पीरियड से पहले कौन है? सीनोजोइक। इसमें क्या है? टर्शियरी और क्वार्टररी। अब पीरियड बढ़ता है किसमें? इपॉच में। तो सबसे छोटा टाइम पीरियड हुआ इपॉच, इपॉच से बड़ा हुआ पीरियड, पीरियड से बड़ा हुआ ईरा, और ईरा से बड़ा हुआ यौन। याद रखेंगे। डिड लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस। अब हम लोग लाइफ पर आ रहे हैं। डिड लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड ए स्पोर वार ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। पैनस्पर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर एस्ट्रोनॉमर। कहता है कि कुछ वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी पर लाइफ पैदा नहीं हुई, जब बल्कि दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर लाइफ आई, और इस कंसेप्ट को कहते हैं पैनस्पर्मिया। For a long time, it was believed that life came out of decaying and rotting of matter like a straw mud. इसको हम लोग कहते हैं abiogenesis. This was the theory of spontaneous generation. अब इस theory of spontaneous generation कि स्वतः life पैदा होता है, इसको सबसे पहले disprove करने वाले थे Louis Pasteur. Louis Pasteur by careful experimentation demonstrated that life came only from pre-existing life. Louis Pasteur वो पहला microbiologist था जिसने ये बात साबित किया कि नहीं, spontaneous generation life की नहीं होता है, ना panspermia. Each and every life must be arises from pre-existing life. He showed that in pre-sterilized flask life did not came from killed yeast. When the another flask open in air, new living organism arose from killed yeast. मतलब उन्होंने कैसे डिमोस्ट्रेट किया? आपने देखा होगा, टेंथ में भी पढ़ा होगा, लुईस पास्टर के एक्सपेरिमेंट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी वॉज डिसमिस वंस एंड फॉर ऑल। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फ्रॉम केम ऑन अर्थ। इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी हमारा जो प्रश्न है कि पहला लाइफ पृथ्वी पर कैसे आया, इसका आंसर तो इससे नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं पैनस्पर्मिया, कुछ लोगों ने क्या कहा कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन फर्स्ट लाइफ कहां से आया? ये तो मैं भी मानता हूं कि अगर अंडा रहेगा तो उससे मुर्गी आ जाएगी, और मुर्गी रहेगी तो अंडा आ जाएगा, लेकिन अंडा या मुर्गी सबसे पहले कहां से आया? अब इसके लिए भी यह एविडेंस है कि मर्सिनस मेटोराइट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, एक मेटोराइट ऑस्ट्रेलिया में पाया गया जिसमें क्या था? एमिनो एसिड, हाइड्रोकार्बन,
कार्बोक्जिलिक एसिड। तो ये पत्थर जो पाया गया जो पृथ्वी के बाहर का है, इसमें एमिनो एसिड इत्यादि का पाया जाना, हाइड्रोकार्बन का पाया जाना, इस बात का संकेत देता है कि शायद दूसरे जगह पर भी लाइफ की ओरिजिन हुई होगी। तो उन लोगों को बल मिलता है जो लोग कहते हैं पैनस्पर्मिया। तो पैनस्पर्मिया को साबित करने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पत्थर जो मेटराइट का पत्थर है, जो इस पृथ्वी का पत्थर नहीं है, वह यह बताता है कि लाइफ हमारे अलावा, अर्थ के अलावा दूसरे जगह भी ओरिजिनेट हुआ, इवॉल्व नहीं हुआ, ऐसा आज तक मानना है। यानी इनिशियल कंडीशन में अर्थ के साथ साथ और सारे प्लैनेट पर भी लाइफ ओरिजिनेट हुए, क्योंकि लाइफ सपोर्टिंग बायोमॉलिक्यूल्स देखे गए। अब ये लाइफ सपोर्टिंग बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो पृथ्वी पर लाइफ को ओरिजिनेट किए, तो हर जगह लाइफ को ओरिजिनेट किए होंगे, लेकिन हर जगह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं हुआ। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स कैसे लाइफ पर ओरिजिनेट हुए, लाइफ कैसे आया, इसके लिए ऑपरिन एंड ऑफ रशिया एंड हार्डलेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फ्रॉम द लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब लुईस पास्टर से अलग हार्डलेन, ओपरिन एंड हार्डलेन ने क्या कहा, जेबीएस हार्डलेन और ए आई ओपरिन, की जो लाइफ है वो कहां से आया, तो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक एमिनो एसिड, लाइक अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लोग केमिकली रिएक्ट करके एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजिनस बेस इत्यादि का निर्माण किया, और वे आपस में इंटरेक्ट करके सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ का निर्माण किया। तो यहां कहता है कि ओपरिन ऑफ रशिया एंड हार्डलेन ऑफ द इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ वाज प्रोसीड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। पहले भी बोल चुका हूं, फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, द कंडीशन ऑफ द अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन अमोनिया ईटीसी। मेरी पुरानी डिस्कशन से आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर हाई टेम्परेचर कैसे हुआ होगा, वोल्केनिक स्टॉर्म कैसे हुआ होगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कैसे बना होगा, मीथेन कैसे आया होगा और अमोनिया कैसे आया होगा, क्योंकि मैं उस समय से इसी बैकग्राउंड पर बात करता था कि यहां आपको समझ में आए। In 1953, S.L. Miller and American scientist Urey. S.L. Miller and American scientist create similar condition in the laboratory scale. Actually, ये Miller के साथ Urey साहब भी थे, इसका पूरा नाम है Miller and Urey experiments. He create the electric discharge in a closed flask containing the methane, hydrogen and ammonia. And water vapor at 800 degree C. He observed formation of amino acid. In similar experiment, other observed formation of the sugar, nitrogenous base, pigment and fat. Kelvin sahab ne isko paya tha. Analysis of the meteorite content also revealed similar compound, including that similar process are occurring elsewhere in space. Baat pe samajh gaye jo hume piche samjhaya, jo figure dikha karke. क्या मेटोराइट में भी ये चीज देखे गए और पृथ्वी पर भी देखे गए, यानी इसका मतलब है कि पृथ्वी के अलावा दूसरे जगह भी यह प्रक्रियाएं हुई, वहां भी सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ बने, वहां भी बायोमॉलिक्यूल बने, लेकिन वहां ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं हुई, वहां लाइफ के डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, ऐसा लोगों का मानना है। विद द लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजंक्चर स्टोरी लाइक द केमिकल ऑफ इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो आज के डेट में ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण थियरी है, महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वह यही कंसेप्ट है केमिकल इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ का दूसरा नाम केमिकल इवोल्यूशन। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लीकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ इज बोर्न। The first non-cellular form of the life could have been originated 3 billion years ago. Kaisa? Non-cellular. Yaad rakhein. They would have been giant molecule RNA, protein and polysaccharide. Jinke paas kya tha? RNA, protein, polysaccharide.
This capsule reproduced their molecule. Perhaps the first cellular life of the form did not possibly originate till about 2000 million years ago. These were probably single cell. All life from water, in water environment only. The version of the biogenesis, the first form of life erodes slowly through evolutionary force from non-living molecule is accepted by majority. के लाइफ का निर्माण कहां से हुआ? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से लाइफ क्रिएट हुआ. However, once formed, who the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of the today is fascinating a story that will be discussed below. कि अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि माना कि कोई भी लाइफ पहला आया तो ये कि तीन बातें यहां हुई कि पहला लाइफ जो आया वो क्या था? नॉन सेलुलर था. उसके बाद का जो लाइफ आया वह सेलुलर था. वह कैसा था? यूनिसेलुलर था. तो हाउ कैन यूनिसेलुलर लाइफ कन्वर्टेड इनटू मल्टी सेलुलर लाइफ, जॉइंट लाइफ लाइक जिराफ एंड एलिफेंट्स. कि अब इसकी स्टडी को हम लोग आगे देखेंगे और जिसे हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. तो यहां जो लिखा हुआ है कि वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ द लाइफ एरोज. इसके लिए मैं छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं जो कि एक आपके टेक्स्ट से अलग है, लेकिन एक मिनट लूंगा. देखिए, क्रिएशन ऑफ द प्री बायोटिक शू इंक्लूडिंग न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम अर्थ प्रिमिटिव एटमोस्फियर. कि अर्थ के प्रिमिटिव एटमोस्फियर में प्री बायोटिक शू ओशन के अंदर बना और उसमें क्या था? न्यूक्लियोटाइड वगैरह थे. प्रोडक्शन ऑफ द शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल विद द रैंडम सीक्वेंस. उससे क्या बना? छोटा आरएनए मॉलिक्यूल बना. सेलेक्टिव रिप्लिकेशन ऑफ द सेल्फ डुप्लीकेटिंग कैटालिटिक आरएनए. और ये आरएनए क्या था? अपने जैसा आरएनए भी बनाता था और एंजाइम के जैसा भी काम करता था. सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक पेप्टाइड कैटालाइज्ड बाय आरएनए. और ये आरएनए ने स्पेसिफिक पेप्टाइड यानी प्रोटीन का निर्माण शुरू किया. इंक्रीजिंग द रोल ऑफ पेप्टाइड इन आरएनए रेप्लिकेशन एंड द कोइवोल्यूशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. इस प्रकार इस पृथ्वी पर आरएनए और प्रोटीन आ गया. द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन सिस्टम डेवलप विद द आरएनए जीनोम एंड आरएनए प्रोटीन कैटालिस्ट. और इस प्रकार आरएनए और प्रोटीन के बने हुए जीव इस पृथ्वी पर आने लगे. तो आप जानते हैं आरएनए से बने हुए जीव को वायरोइड कहते हैं और आरएनए और प्रोटीन से बने हुए जीव को आरएनए वायरस, एग्जांपल कोरोना वायरस कहते हैं. तो आज जिस कोरोना वायरस के जद में आप हैं, आप जानिए उसकी पृथ्वी पर सबसे पहले पैदाइश उसी तरह के जीवों की हुई थी. जीनोमिक आरएनए बिगिन टू कॉपी इनटू डीएनए. अब ये आरएनए क्या हुआ? धीरे धीरे डीएनए बनाना शुरू किया और वो डीएनए से क्या हुआ? आज का लाइफ बना. कहता डीएनए जीनोम ट्रांसलेटेड ऑन आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड राइबोसोम विद द प्रोटीन कैटालिस्ट. तो ये न्यू थ्योरी है कि कैसे लाइफ आया. तो सबसे पहले पृथ्वी पर क्या आया? आरएनए आया. उस आरएनए से क्या आया? प्रोटीन आया. और उस आरएनए आरएनए फिर आगे चल के क्या बनाया? डीएनए बनाया. तो जब तक लाइफ जो पृथ्वी पर था जिसमें आरएनए के मॉलिक्यूल्स थे, यानी उनका जीन आरएनए का बना था, तो उस तरह के लाइफ को आरएनए लाइफ और उस तरह के विश्व को आरएनए वर्ल्ड कहते हैं. तो इस पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला वर्ल्ड क्या था? आरएनए वर्ल्ड था. वो आरएनए वर्ल्ड क्या हुआ? चेंज हुआ आज के वर्ल्ड में. आज का वर्ल्ड क्या कहलाता है? डीएनए वर्ल्ड. कहता है फिगर 3.22 वन पॉसिबल आरएनए वर्ल्ड सिनेरियो शोइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रीबायोटिक आरएनए वर्ल्ड टू द बायोटिक डीएनए वर्ल्ड. तो बेटा हमारी बातें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पहले पृथ्वी पर एक लाइन की बातें मैंने जोड़ी अलग से कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? आरएनए वर्ल्ड. यानी इस पृथ्वी पर सबसे पहले बायो मॉलिक्यूल कौन आया? आरएनए. फिर आया प्रोटीन, फिर आया डीएनए. क्लियर? थैंक यू फॉर टुडे.